स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनसे दो अनधिकृत पिस्तौल प्रत्येक से एक एक और एक ऑल्टो कार की बरामद की गई है। त्वरित कार्यवाही किया तथा इसमें दो व्यक्ति शुभम और सचिन गिरफ्तार किए गए हैं तथा इनके पास से दोनों के पास से एक एक अवैध असलाह तथा कारतूस बरामद किए जा चुके हैं। घटना के दौरान प्रयुक्त हुई अल्टो गाड़ी भी बरामद की जा चुकी है। आप इस पर गौर करिए, इन पर यूएपीए क्यों नहीं लगाते आप? अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की ताईद करता है तो यूएपीए लगता है। एक सिटिंग एमपी के ऊपर यूएपीए नहीं लगेगा सर, मैं सरकार पर छोड़ता हूँ। आपसे एक दो सवाल करना चाहता हूँ इस मुद्दे को लेकर। सिर्फ ये है कि इस मामले के अंदर 120 भी नहीं लगाया गया है। खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश पुलिस ने असदुद्दीन अवैसी फायरिंग मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीन आरोपियों में से दो आरोपियों को शुरुआत में ही गिरफ्तार किया गया था, सचिन और शिवम को। फिर उसके बाद तहकीकात करते हुए सचिन को जो बंदूक बेचा था वो आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए जेल रवाना कर दिया। यानी जुमला असदुद्दीन अवैसी केस में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया और 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया। लेकिन अब सवाल उठने लगा है, उत्तर प्रदेश में जो असदुद्दीन अवैसी पर फायरिंग का वाकया पेश आया था उसमें जो ऑल्टो कार का इस्तेमाल हुआ था उसके मालिक को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि ऑल्टो कार सचिन के खास दोस्त की बताई गई थी। ऑल्टो कार को तो पुलिस ने जब्त किया, लेकिन आज 16 दिन का वक्त होने आ गया है, ऑल्टो कार के मालिक को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। और दो दिन पहले योगी सरकार के एक मंत्री आरोपियों के मकान जाकर उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि तहकीकात होंगी और हम पूरी कानूनी मदद फराहम करेंगे। सचिन की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी के कई लीडरान के साथ फोटोज भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगे थे। उत्तर प्रदेश चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चीख चीख कर गल्ला फाड़ कर ये कहते हैं कि माफिया मुफ्त हो गया है उत्तर प्रदेश, लेकिन उनके मंत्री ऐसा दिखता है कि आरोपियों को पना दे रहे हैं। आरोपी के मकान जाकर कहते हैं कि इन्हें फंसाया गया, जबकि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि आरोपी असदुद्दीन अवैसी पर गोली चला रहा है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो लीडरान के साथ फोटोज वायरल हुए उसकी भी अभी तक तस्दीक नहीं की गई। बीजेपी से सचिन और शिवम का क्या रिश्ता, सवाल उठने लगे हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस 16 दिन का वक्त हो गया है सो रही है। ऑल्टो कार के मालिक को अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया ये भी सवाल उठ रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई कुछ बोलता है तो उस पर देशद्रोही का मुकदमा लग जाता है, लेकिन ये दो आरोपियों पर देशद्रोही का मुकदमा क्यों नहीं लगाया गया? देश के बड़े नेता असदुद्दीन अवैसी पर गोली चलाना बड़ी बात है, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी मजलूमों की आवाज बन चुके हैं। अब ऐसा दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन अवैसी एक बड़ा मुद्दा है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी असदुद्दीन अवैसी के नाम के बगैर उन्हें ना खाना हजम होता है ना उन्हें नींद आती है, ऐसा दिख रहा है। अवैसी फायरिंग मामले में सचिन और शिवम की गिरफ्तारी के बाद इन्हें माली इमदाद कौन फराहम कर रहा था ये भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि ये लोगों ने मनसूबाबंद तरीके से पूरी घटना अंजाम दिया और बंदूक जिससे खरीदे थे उसे भी पैसा दिया गया था और ऑल्टो कार का जो इस्तेमाल हुआ वो सचिन के खास दोस्त की बताई गई। गृह मंत्री दोनों सदनों में ये कहते हैं कि ओवैसी को हम जेड प्लस सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी इनकार कर रहे हैं। लेकिन आज 307 का मुकदमा आरोपियों के खिलाफ लगाया जाता है और जेल रवाना कर दिया जाता है। जबकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ओवैसी के मामले में सीरियस बता रहे हैं तो फिर आरोपियों के खिलाफ 307 का मुकदमा आखिर क्यों? असदुद्दीन अवैसी इम्तियाज जलील ने सदन में मुतालिबा किया आरोपियों के खिलाफ यूएपीए लगाने का, लेकिन पुलिस अभी तक यूएपीए इनके खिलाफ नहीं लगाई। अब देखना होगा आगे क्या होगा, आरोपी क्या बाहर निकल जाएंगे बेल पर या फिर उनके खिलाफ यूएपीए लगाया जाएगा।
ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, देश के हर नेता हर सियासी पार्टी की नज़र 10 मार्च के ऊपर। अब 10 मार्च के दिन किसका परचम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा ये तो अवाम फैसला करेंगी। जो भी हो, हिंदुस्तान की सियासी तकदीर उत्तर प्रदेश के 10 मार्च के नतीजे तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। आलिम निवासी ग्राम नगलामल थाना मुडाली जनपद मेरठ को आज पिलखुआ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उसके द्वारा मुख्य आरोपी सचिन शर्मा को अवैध शस्त्र एवं कारतूस उपलब्ध कराया गया था। इस मुकदमे से संबंधित अन्य सुसंगत साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 3 फरवरी 2022 को जनपद हापुड़ में माननीय सांसद श्री उबेसी जी के काफिले पर हुई फायरिंग से संबंधित एक अन्य अभियुक्त आलिम निवासी ग्राम नगलामल थाना मुडाली जनपद मेरठ को आज पिलखुआ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उसके द्वारा मुख्य आरोपी सचिन शर्मा को अवैध शस्त्र एवं कारतूस उपलब्ध कराया गया था। इस मुकदमे से संबंधित अन्य सुसंगत साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 3 फरवरी 2022 को